दोस्तों, वैसे तो चार धाम की यात्रा आप कहीं से भी कोई से भी धाम से कर सकते हो, लेकिन अक्सर लोग हिंदू परंपरा के अकॉर्डिंग जो यात्रा करते हैं वो सबसे पहले जाते हैं यमुनोत्री, फिर वहां से जाते हैं गंगोत्री, गंगोत्री के बाद आ जाते हैं केदारनाथ, और केदारनाथ के बाद सीधे करते हैं बद्रीनाथ के दर्शन। तो आज मैं अपनी वीडियो में ही आपको चार धाम यात्रा के पूरे दर्शन कराने वाला हूँ बाय द बस। कितना किराया आएगा, कहाँ पे रुके, कितना टाइम लगता है, और उसी के साथ आस पास रहने वाली सारी चीजें भी मैं अपने इस वीडियो में कवर करूंगा। तो चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, यात्रा शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कुछ जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है। तो सबसे पहले नंबर बात, अगर आप यहाँ से कोई भी धाम जा रहे हो तो सबसे पहले आपको हरिद्वार या ऋषिकेश आना पड़ेगा। तो मैं भी बता देता हूँ, जैसे मैं अभी आया हुआ हूँ ऋषिकेश। और एक और बात इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ कि आप जितना अर्ली मॉर्निंग आ जाओ ना, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कोई भी धाम जाते हैं तो सुबह 4 से लेकर 5 बजे तक ही बसें चलती, क्योंकि दोस्तों उसके बाद ना यहाँ पे कोई बस नहीं चलती है। आपको कोई भी धाम जाना होगा ना तो यहाँ पे सुबह सुबह ही आपको बस मिलेगी। तो मैं भी जा रहा हूँ यमुनोत्री, तो सबसे पहले मैं यमुनोत्री के दर्शन करूंगा। तो यहाँ से मैं भी ले लेता हूँ बस, जिसका किराया है डायरेक्ट 520 रुपये। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, इसी के साथ सामने जो आपको काउंटर देखने को मिल रहा है ना, यहाँ से आपको यहाँ के चार धाम की यात्रा के लिए आपको टिकट लेनी पड़ेगी। अभी बेसिकली आपको जाना है यमुनोत्री, जैसे मैं अभी यमुनोत्री जा रहा हूँ, तो यमुनोत्री जाने के लिए मैं यहाँ से लूँगा टिकट। तो यहाँ से ना डायरेक्ट यमुनोत्री की भी मिल जाती है, और अगर आपको बरकोट जाना हो तो बरकोट की भी टिकट आपको यहीं से मिलेगी। बस आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से आके अपनी टिकट ले लीजिए। ऋषिकेश से जंगल चट्टी पहुंचने में आपको लग जाते हैं 7 से 8 घंटे, जो अगर इसकी दूरी है वो है 220 किलोमीटर की। देखो मैं बता देता हूं आपको, जो यमुनोत्री का वो ट्रैक है वो 6 से 7 किलोमीटर का है। और इसी के साथ मैं आपको एक सलाह देता हूं कि आप जब भी यहां पर आओ तो अपने होटल की बुकिंग करके ही आना। वैसे आपको यहां पे बहुत सारे होटल मिल जाएंगे जंगल चट्टी में, तो आप यहां पर भी आके होटल बुकिंग कर सकते हो, लेकिन सजेस्ट तो यही करूंगा कि अपनी एडवांस बुकिंग के साथ ही आना। यहां पर आपको 1500 से 2000 रुपए के होटल मिल जाएंगे। अब अगर मैं आगे बात करूं ट्रैकिंग का, तो यहाँ पे जो शुरू के 2 से 3 किलोमीटर आपको पता भी नहीं चलेगा कब पूरे हो गए, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के पास पहुँचते हो लास्ट के 3 किलोमीटर एकदम यहाँ पे आपको खड़ी चढ़ाई देखने को मिलती है। दोस्तों आपको रास्ते में ना ऐसे बोर्ड दिख जाएंगे जहाँ पे लिखा होगा कि आप कितना किलोमीटर चल चुके हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अभी यहाँ से 4.7 किलोमीटर बचा हुआ है, और ये है जो रास्ता अभी हम जा रहे हैं अपनी यात्रा के लिए। और देखो आसपास हर जगह आपको खाने पीने की शॉप भी मिल जाती है। दोस्तों जैसा आप ना रास्ते में जाते हो ना, तो आपको रास्ते में ही यमुना नदी ऊपर से आते हुए दिखाई देगी। देखो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखो। तो ये है वो यमुना नदी, जब आप ट्रैकिंग करते हो तो रास्ते में ही आपको दर्शन हो जाते हैं, और इसका नजारा बहुत ही खूबसूरत भी होता है। तो उसी के साथ ना अभी आप जैसा आगे ट्रैक करोगे तो आप जो यात्रा पास बनवा के आए हो, जो आपने पंजीकरण करवाया, वो यहाँ पे चेक होगा। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो यहाँ पे चेक हो रहा है। वो चेक होने के बाद आपको टोकन दिया जाएगा, और वो टोकन आपको ऊपर मंदिर में दिखाना होगा। तो अभी मुझे नहीं पता वो दिखाना है नहीं, तो ऊपर जाके मैं आपको असलियत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। और यहीं इसी रास्ते से देखो ये जो ट्रैक जा रहा है, हम आगे बढ़ते हैं अपनी यात्रा के लिए। तो दोस्तों आज के जो दर्शन हुए ना, सच बता रहा हूँ बहुत ही खूबसूरत हुए, क्योंकि आज के जो दर्शन होने वाले हैं वो होने वाले हैं डोली के साथ। और आज का ही दिन है जो आज यमुनोत्री के जो धाम खुल रहे हैं, ये देखो मेरे पीछे आ रही है डोली, तो मैं डोली के साथ ही आज यात्रा कर रहा हूँ। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया हूं मंदिर के पास, यही मैं आप लोगों को यहां के दर्शन कराऊंगा। अभी नहीं पता ना कि वहां पे मोबाइल अलाउ है या नहीं है, तो वो आगे जाके ही पता चलेगा। और जैसे ही आप मंदिर के पास बिल्कुल पहुंच जाते हो तो आपको नजारा यहाँ का बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। आपको इस पुल के थ्रू होके जाना पड़ेगा, साथ में आपको दिखाई देगा मंदिर, और उसी के लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे यमुना जी भी बहती हुई नजर आएगी। तो अभी आप कर सकते हो यमुनोत्री धाम के दर्शन। इसी के साथ आप यमुनोत्री धाम के गर्भगृह के भी दर्शन कर सकते हो। यमुनोत्री धाम के दर्शन करने के बाद मैं निकल जाता हूँ गंगोत्री के लिए। दोस्तों अब मैं बता देता हूँ गंगोत्री धाम आप कैसे जाएं। तो गंगोत्री धाम के लिए आपको जंगल चट्टी से ही सबसे पहले जाना पड़ेगा उत्तरकाशी। दोस्तों अगर आप उत्तरकाशी सुबह 9 बजे से पहले पहुंच जाते तो आपको डायरेक्ट बस मिल जाती है गंगोत्री धाम के लिए। अगर आपको बस नहीं मिलती फिर आपको टैक्सी स्टैंड से शेयरिंग जीप लेके जाएगी, और इस शेयरिंग जीप का जो किराया है वो 300 रुपए का है, जो आपको 5 घंटे के अंदर गंगोत्री धाम पहुंचा देती है। दोस्तों अभी हम अंदर आ गए हैं, और अंदर आने के बाद आप यहाँ नजारा देख ही रहे कितना खूबसूरत, और सामने जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से होगा आपका पंजीकरण, जो आप यात्रा पास बनवा कर तो आपको यहाँ पे चेक कराना होगा, और यहाँ से हम चलेंगे आगे दर्शन करने के लिए। दोस्तों अभी फाइनली जैसे मैंने अंदर एंट्री कर लिया, एंट्री करने के बाद आपको यहाँ देखो लेफ्ट साइड में आपको काफ़ी सारी शॉप्स मिल जाएंगी पूजा से रिलेटेड सामान लेने के लिए। अगर जैसे आपको गंगा जल लेना है तो गंगा जल के लिए भी यहाँ पे आपको काफ़ी सारी बोतलें मिल जाती है। तो लेफ्ट और राइट आपको दोनों तरफ यहाँ पे काफ़ी शॉप
मिल जाती है। अब देखो मैं बता देता हूँ कि आप यहाँ पर कैसे आए। देखो कल मैंने यमुनोत्री के दर्शन करे थे और मैं वहाँ पे उत्तरकाशी में आकर रुक गया था। तो उत्तरकाशी से यहाँ तक की जो दूरी 90 से 100 किलोमीटर के, तो आप उत्तरकाशी से आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। अगर मैं गंगोत्री में होटल की बात करूँ तो यहाँ पर जैसे आप एंट्री करते हो ना, तो एंट्री करते यहाँ पर आपको होटल की काफ़ी सारी फैसिलिटी मिल जाती है। ऐसा ही नहीं कि आपको उत्तरकाशी में ही होटल मिलेंगे, आपको यहाँ गंगोत्री पहुँच के भी आपको होटल मिल जाएंगे। देखो जैसा आप लोगों को सामने देखने को मिल रहा है, और ये देखो सामने कितना अद्भुत नज़ारा है साथ। देखो दोस्तों आगे जैसे इससे आगे चलते हो ना, तो आपको यहाँ पर गंगोत्री का बाजार भी देखने को मिलता है। तो ये जो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आप शॉप देख रहे हो, तो यही गंगोत्री का मेन बाजार है। इसको क्रॉस करने के बाद आगे हम अपने मेन पॉइंट पर पहुंचेंगे। फाइनली पहुंच गए मेन गेट पे। ये जो मेन गेट है यहाँ से अभी हम एंट्री करते ही हमें दर्शन होंगे। तो दोस्तों फाइनली अभी मैं पहुंच गया हूँ गंगोत्री धाम। तो आप लोग भी मेरे साथ कर सकते हो गंगोत्री धाम के दर्शन। जब गंगोत्री धाम आते हैं ना, तो अगर गंगोत्री धाम आता है तो आपको सामने में अद्भुत नज़ारा दिखता है, जिसमें देखो शिव शंकर जी हैं और गंगा माता है। और देखो उनके साथ ही अगर मैं चारों तरफ से ये नज़ारा दिखाऊँ आपको कितना खूबसूरत है। सामने है गंगोत्री धाम वहाँ पे दर्शन करने के लिए, और देखो चारों तरफ से ये देखो नज़ारा है कितना खूबसूरत है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कैसी लाइन लगी हुई है माता रानी के दर्शन करने से पहले। देखो वहाँ से लाइन लग के ऐसे यहाँ पे है ना सिस्टमेटिकली दर्शन होते हैं। देखो यहाँ से ऐसे लाइन लगी हुई है और ये ऐसे लाइन लग के फिर सामने वहाँ पे हमें दर्शन करने होंगे। तो दोस्तों फाइनली देखो दर्शन करने के बाद जैसे मैं अभी आगे बढ़ाऊँ, आगे बढ़ने के बाद दिखाते, तो ये है एक्चुअली स्नान घर। यहाँ पे लोग आते हैं बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ पे नहाते हैं। जो ये है ये हमारी गंगा मैया जो आगे तक जा रही है। देखो लोगों की श्रद्धा इतनी है कि देखो लोग यहाँ पे आते हैं स्नान करते हैं। मौसम इतना ठंडा हो रहा ना, लेकिन व्रत कहते हैं भक्ति के आगे सब कुछ फेल है, तो इसलिए यहाँ पे देखो सारे लोग अपनी श्रद्धा से कैसे स्नान, कोई ठंड वंड कुछ नहीं मान रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों गंगोत्री धाम के दर्शन करने के बाद मैं निकल जाता हूँ, यहाँ पे एक सूर्य कुंड है, सूर्य कुंड के दर्शन करने के लिए, वो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों अभी जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है मैं पहुंच जाता हूँ सूर्य कुंड। और इस कुंड को सूर्य कुंड इसलिए कहा जाता है कि सुबह की जो धूप की पहली किरण गिरती है इसी झरने पर गिरती है। दोस्तों उसके बाद है ना फिर मैं निकल जाता हूँ, यहाँ पे एक गुफा है पांडव गुफा, जो यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और जब आप पांडव गुफा जाते हो ना, तो रास्ते में बहुत बेहतरीन बेहतरीन सुंदर नजारे आपको देखने को मिलते हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है वो रास्ता जिसको क्रॉस करके आप पांडव गुफा के दर्शन करने के लिए जाते हो। देखो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया हूँ पांडव गुफा। और ये पांडव गुफा का जो ये है मेन द्वार, यहाँ से जो आपको सामने दिख रहा है यहाँ से छोटा सा जो द्वार है यहाँ से हम एंट्री करने वाले हैं। अगर मैं इस गुफा के अंदर से बात करूँ तो आपको इस तरह से कुछ दिखाई देती है। इसके अंदर एक्चुअली एक बाबा है जो 20-30 सालों से इस गुफा के अंदर रहते हैं। तो दोस्तों आप गंगोत्री धाम के पास ही एक प्लेस और देख सकते हो जिसका नाम है गर्तांग गली। अब उस गर्तांग गली के अंदर आपको कुछ ट्रैक करना पड़ेगा जो 4 से 5 किलोमीटर का है, और साथ ही आपको एंट्री टिकट भी लेनी पड़ती है जो 200 रुपए की होती है। एक्चुअली गर्तांग गली के अंदर आपको एक लकड़ी का पुल देखने को मिलता है। कहते हैं कि इस पुल का निर्माण पठानों द्वारा किया गया था। इस प्लेस को कवर करने के बाद मैं पहुंच जाता हूं अपने तीसरे धाम केदारनाथ धाम। यहां तक आने के लिए आपको सबसे पहले आना पड़ेगा सोनप्रयाग। ये गंगोत्री से सोनप्रयाग की जो दूरी है 320 किलोमीटर की, इसमें भी आपका पूरा दिन लग जाता है सोनप्रयाग पहुंचने में। गंगोत्री धाम से आपको जाना पड़ेगा उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी से आपको सोनप्रयाग की इजिली बस मिल जाएगी। यहाँ पर भाई रजिस्ट्रेशन चेक करे तो मैं आपको बता दूं, जो भी बिना रजिस्ट्रेशन के आ रहा है यहाँ पर उसको एंट्री नहीं मिलेगी, खासकर इन दिनों में बिना रजिस्ट्रेशन के मत आना। अब आपको सोनप्रयाग से जाना पड़ेगा गौरीकुंड, और सोनप्रयाग से आपको गौरीकुंड जो लेके जाएगी वो यहीं की शेयरिंग जीप लेके जाएगी, जिसका किराया 50 रुपए होगा। इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ जो केदारनाथ धाम का जो ट्रैक है वो 15 नहीं वो है टोटल 25 किलोमीटर का। और घोड़ा पड़ाव से होते हुए आप करते हो अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट, और जब आप ट्रैक करते हो तो रास्ते में भी आपको बहुत खूबसूरत नजारे भी देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जब आप ट्रैक करते हो तो शुरू के 10 किलोमीटर तो आपको पता नहीं लगेगा कि कब चलेंगे, लेकिन जो असली चढ़ाई शुरू होती है वो होती है रामबाड़ा से। रामबाड़ा के बाद आपकी जो चढ़ाई होगी वो एकदम खड़ी चढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। जब आप केदारनाथ का ट्रैक करते हैं तो आपको पूरे रास्ते घोड़े पालकी की सुविधा भी मिलती है, और उसी के साथ आपको हर कोने में खाने पीने की सुविधा भी मिलती रहेगी। तो मैं अपना ट्रैक पूरा करके मैं पहुंच जाता हूं बेस कैंप। बेस कैंप में आपको टेंट की अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है 500 रुपए तक की, और उसको क्रॉस करके फिर मैं आगे फाइनली पहुंच जाता हूं हेलीपैड, जहां से बाबा केदारनाथ की दूरी रह जाती है 500 मीटर की। तो भाइयों बस हम बिल्कुल पहुंच गए बाबा महादेव के पास।
वहाँ जाने से पहले जो आप यात्रा पास बनवा के आए हो वो निकाल के उनको दिखाना है और यहाँ से हमें टोकन मिले। तो फाइनली मैं पहुँच जाता हूँ केदारनाथ मंदिर के बिल्कुल पास और अभी मैं लगा हुआ हूँ लाइन में बाबा के दर्शन करने के लिए। देखो अभी आप दर्शन कर सकते हो मंदिर के। इसी के साथ मैं आपको ना यहाँ की कुछ चीजें बता देता हूँ। आप जब भी केदारनाथ आओ ना तो गर्म कपड़े जरूर रख के लेके आना क्योंकि यहाँ का मौसम कभी भी बदल सकता है और उसी के साथ छाता रेनकोट भी आप अपने साथ लेके आना। अब केदारनाथ के दर्शन करने के बाद आप दर्शन कर सकते हो भीमशिला पत्थर के जो बिल्कुल केदारनाथ मंदिर के पीछे है। मेरा भाई जो आप अभी पीछे देख रहे हो ये है भीमशिला पत्थर। जब 2013 में आपदा आई थी जब ये पत्थर आके यहाँ पे रुक गया था और कहा जाता है इस पत्थर की वजह से ही ये जो मंदिर है ये बच गया था। तो जब से ही इस पत्थर की पूजा भी की जाती है और इसका नाम रखा गया भीमशिला पत्थर। दोस्तों भीमशिला पत्थर के दर्शन करने के बाद आप दर्शन कर सकते हो आदि शंकराचार्य के जो बिल्कुल भीमशिला पत्थर के बिल्कुल पीछे ही है, आपको जो देखने को मिल जाएगा। आदि शंकराचार्य के दर्शन करने के बाद आप दर्शन करना भैरव बाबा के। आदि शंकराचार्य से भैरव बाबा की जो दूरी है वो 1 किलोमीटर की। और इस मंदिर के बारे में ऐसा भी माना जाता है कि जब 6 महीने के लिए बाबा केदारनाथ के पट बंद रहते हैं तो भैरव बाबा इनकी रक्षा करते हैं। ये सारे प्लेसेस कवर करने के बाद मैं निकल जाता हूँ अपने फाइनल धाम बद्रीनाथ धाम के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते कि आप बद्रीनाथ पहुंचे कैसे। तो देखो आपको सबसे पहले वापस आना पड़ेगा सोनप्रयाग और सोनप्रयाग से आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी बद्रीनाथ के लिए। सोनप्रयाग से जो बद्रीनाथ की दूरी है वो 220 किलोमीटर की है। यहाँ तक पहुंचने में भी आपको लगभग पूरा दिन लग जाता है। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच जाता हूँ बद्रीनाथ और बद्रीनाथ पहुंचने के बाद है ना जैसे मेरे सारे धामों पे मेरे रजिस्ट्रेशन चेक हुआ था इसी तरीके मुझे यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन चेक कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन चेक होने के बाद मुझे मिलता है यहाँ पे एक टोकन जो आगे जाके मुझे दिखाना पड़ेगा। टोकन लेने के बाद जैसे ही मैं थोड़ी आगे चलता हूँ तो फिर मुझे दिखाई देती है एक मार्केट। आप जैसा भी देख रहे हो इस मार्केट में आपको पूजा से रिलेटेड सामान मिल जाता है और खाने पीने की भी अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है। अगर आप यहाँ पे शॉपिंग करना चाहते हो तो जैसे वूलन के कपड़े, पर्स और काफी ऐसे आइटम हैं जो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। मार्केट को क्रॉस करके आगे आपको देखो सामने जो देखने को मिल रहा है एक पुल आपको देखने को मिलता है, इसमें से आपको होके जाना पड़ेगा। और अभी जिस टाइम में देखो अभी यहाँ पे मैं चल रहा हूँ तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ अभी भक्तों की कितनी भीड़ लगी है। और साथ में जो आप ये नदी देखने को मिल रही है ये है अलकनंदा नदी जो साथ ही मंदिर के बहती है। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच जाता हूँ बद्रीनाथ धाम और अभी आपको मैं करवाता हूँ दर्शन। दोस्तों बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद आप जा सकते हो यहाँ पर माणा विलेज जिसे हिंदुस्तान का प्रथम गांव माना जाता है। माणा विलेज आने के लिए आपको बद्रीनाथ से ही शेयरिंग जीप मिल जाती है। माणा विलेज में आपको 70 से 80 घर देखने को मिलते हैं और उसी के साथ आपको यहाँ पे भीम पुल देखने को मिलता है और उसी के साथ श्री गणेश गुफा और उसी के साथ आपको वेद व्यास गुफा भी देखने को मिलती है। इसी के साथ मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, हिंदुस्तान में जो सरस्वती नदी होती है ना इसी माणा विलेज में ही आपको देखने को मिलती है। इसी के पास आपको इस गुफा भी देखने को मिलती है। इस गुफा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर श्री गणेश ने बैठकर वेद लिखे थे। देखो दोस्तों पौराणिक कथाओं के अनुसार ये भी कहा जाता है कि जब यहाँ पर श्री गणेश वेद पुराण लिख रहे थे तो उसी टाइम जो ये सरस्वती नदी है अपने पूरे तेज के साथ बह रही थी और शोर कर रही थी। तब श्री गणेश जी ने इनसे रिक्वेस्ट करी कि अपना शोर कम कर दो, लेकिन इसका शोर जब भी कम नहीं हुआ तब उन्होंने गुस्से में आके उनको श्राप दिया कि इससे आगे तुम कहीं भी दिखाई नहीं दोगी। और मैं बता देता हूँ कि सिर्फ सरस्वती नदी इसी माणा विलेज में आपको देखने को मिलती है, इसके अलावा आपको कहीं भी सरस्वती नदी देखने को नहीं मिलेगी। देखो दोस्तों माणा विलेज को देखने के बाद आप यहाँ पर ना एक जगह और है जो जा सकते हो, लेकिन वहाँ जाने के लिए आपको 6 से 7 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा। उस जगह का नाम है वसुधारा वाटरफॉल और वो वाटरफॉल इतना खूबसूरत है ना कि मैं अभी वर्ड्स में आपको बता नहीं सकता। दोस्तों जब आप वसुधारा वाटरफॉल के ट्रैक के लिए निकलते हो ना तो आपको रास्ते में देख रहे हो कि कितने खूबसूरत नजारे भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों इस वाटरफॉल की मैं आपको कुछ खास बात बताते हूँ। कहते हैं कि अगर इसकी एक दो बूंदे अगर आपके ऊपर गिर जाते तो कहते हैं कि आपने कभी कोई पाप ही नहीं किया। इसलिए अक्सर लोग जब भी जाते तो इसके आसपास खड़े होते हैं और चेक करते हैं कि उसकी एक दो बूंदे उस पे गिरती है या नहीं। तो दोस्तों ये थी चार धाम की यात्रा जो मैंने आपको बता दिया। अब देखो मैं खर्चे की बात करता हूँ, तो अगर आप बाय बस जाते हो तो इसका खर्चा 15 से 20 हज़ार रुपये आप पर पर्सन लेके चलना। अब मैं बात करता हूँ होटल की, तो देखो होटल हर धाम पे आपको 1500 से 2000 रुपये तक के बीच के इजीली मिल जाएंगे। अब मैं थर्ड बात करता हूँ, आप गर्म कपड़े ज़रूर लेके जाना, वहाँ पे मौसम कभी भी बदल सकता है। और उसी के साथ मैंने आसपास रहने वाली चीज़ें भी आपको बता दी।
अब मैं बात करूँ आपको कितना टाइम लगेगा ये चार धाम कवर करने में, तो आपको 9 से 10 दिन इजीली लग जाते हैं। कि मेरी वीडियो यहीं पूरी होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट में। फिर मिलूंगा एक नए टॉपिक एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय भारत।